ध्वनि रमजान टूर्नामेंट जिसका आज तीसरा दिन है और पांचवा मैच खेला जाएगा चैंपियनशिप का। बड़ी शानदार ये पिच है, T20 क्रिकेट के लिए इससे अच्छी विकेट नहीं हो सकती। और उमर अकमल जो कप्तान है, आज उन्होंने टॉस जीतकर अबर आलूद मौसम में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, जो कदरे हैरानकुन है। ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली और अच्छा शॉट लगाया और बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचा दिया। ये नो बॉल भी थी। एक और उठता हुआ शॉट, इस बार एक और छक्का और ये उठाकर खेला। तो ये बादलों से पहले ये बरसना शुरू हो गए। मोहम्मद सुदैस यहाँ DH6 में, मुनीब कप्तान आए हैं और ये उनका इस्तकबाल किया। और आउट हो गए। इस मरतबा ऑन दी अप ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी सी पेस में तब्दीली की और फराज ने मिड ऑन पर एक अच्छा कैच लिया आगे की जानिब डाइव लगाते हुए। रूम दिया पॉइंट कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बार फिर उठा के खेल दिया 6 रन के लिए। बिस्मिल्ला खान बहुत ही शानदार फॉर्म में, कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल। एक बार फिर एक और छक्का बिस्मिल्ला ने उठा के खेला है, लेकिन फील्ड खुल गई है, फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही शानदार प्लेस किया शॉट ये बिस्मिल्ला का और चौके के साथ सिर्फ 16 बॉलों पे अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं बिस्मिल्ला खान ने। बहुत ही धुआंधार बैटिंग, बहुत ही स्किलफुल बैटिंग, बहुत ही अटैकिंग बैटिंग। शॉर्ट पिच, फील्डर मौजूद है लेकिन उनके सर के ऊपर से। आज किस्मत भी इशाल एसोसिएट्स के साथ है, 6 रन के लिए खेल दिया है शोएब मकसूद ने। उम्दा शॉट, सेंसेशनल शॉट था। सुहेब मकसूद ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार फिर एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद जमीन से लगी गई। शानदार छक्का लगाया, बिल्कुल खड़े खड़े अगले कदम पर जाकर। इसमें ताकत थी, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व थी। ये जो बारिश बरस रही है सुहेब मकसूद और बिस्मिल्ला के बैट से, उससे बेहतर वो बारिश है जो आसमान से उतर रही है बॉलिंग साइड के लिए। और अब बारिश इतनी तेज हो गई है कि ये चौके छक्के ये यहाँ पर रोकना पड़ेंगे। बारिश के वक्फे के बाद खेल दोबारा शुरू होने को है। इशाल एसोसिएट्स की इनिंग्स महदूद कर दी गई और अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की इनिंग्स का आगाज होगा। 82 का टारगेट दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को और ये इनिंग्स जो है वो महदूद होगी 10 ओवर्स तक। अगली गेंद फिर शॉट, इस मरतबा हवा में, मिड ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और पहली विकेट और बड़ी विकेट एहसान अली पहले ही ओवर में अब्रार से मात खा गए। लाठी डिलीवरी, फिर गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर की डाइविंग एफर्ट इसको रोकने के लिए काफी साबित नहीं हुई। इस मरतबा रूम दिया और स्मैश कर दिया, ये ज्यादा बेहतर शॉट था। अगली गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया, बल्कि स्वीप किया है, ये शानदार छक्का है और काफी दूर जाकर गेंद गिरी। इस मरतबा रूम दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस। एक मरतबा फिर, इस मरतबा टॉप एज है लेकिन कोई भी फील्डर उस इलाके में मौजूद नहीं। एक और छक्का, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। ऊंचा शॉट खेला, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, हालांकि जो दो फील्डर्स से ऑफ साइड में बाउंड्री राइडर, दोनों के दरमियान कम फासला था लेकिन फिर भी गैप ढूंढ निकाला और उठा खेला। इसे गेंद हवा में और मैदान के बाहर भी, सनसनीखेज हिट बिलाल की जानिब से और ये गेंद भी सजावार थी छक्के की। और ये मैच भी अंगड़ाई ले रहा है और बहुत ही शानदार कैच लिया। ये बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे शाज़िब भट्टी, जिन्होंने 2 दिन पहले 2 बड़े अच्छे कैचेस पकड़े थे। ये उम्दा शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगा दिया जैन ने। अहमद दानियाल ने काफी तेज रफ्तार ओवर किया था पहला, अब आ रहे हैं फार एंड से और बोल्ड कर दिया,
विकेटों में तेज गेंद और इसका कोई जवाब नहीं मुनीब के पास, उनकी विकेटें बिखर गईं और बोल्ड कर दिया, स्लो डिलीवरी, मुकम्मल तौर पर धोखा खा गए सुहेल तनवीर। टाइम किया ऐसे, इस मरतबा मिड ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे और कैच ले लिया रिवर्स कप से कप्तान उमर अकमल ने और एक और विकेट मिल गई यहां पर ईशाल एसोसिएट्स को। अनवर अली ने विकेट हासिल कर ली 51 रन के साथ, टॉप स्कोरर थे जैन, उन्हें अब आखिरी ओवर में वापस जाना होगा लेकिन अपना तासुर छोड़ने में कामयाब हुए हैं जैन। और लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, ऑकवर्ड बाउंस हुआ फुट मार्क्स को लगकर, इसलिए बिस्मिल्ला को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का और चार रन बल्ले से लगती हुई गई थी। एक हाथ से स्ट्रोक खेला है, क्या ये बाउंड्री क्लियर कर पाएगा? नहीं, सुहेब मकसूद ने कैच थाम लिया और विकेटों की झड़ी लगी हुई है यहां डीएचए में। और यहां 98 रन ही बना पाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम मुकर्रा, 10 ओवर्स में 182 रन का हदफ उन्हें हासिल करना था। ईशाल एसोसिएट्स ने एक आसान कामयाबी हासिल की है। बारह ओवर्स में 201 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था ईशाल एसोसिएट्स ने। सुहेब मकसूद अस्सी और बिस्मिल्ला खान 78 रन के साथ नॉट आउट रहे जबकि जवाब में 10 ओवर में रिवाइज टारगेट मिला था 182 का और उसके जवाब में 98 रन ही बना पाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम और ईशाल एसोसिएट्स ने 83 रन से कामयाबी हासिल की।